अब की बार अगर वरुण आए तो वरुण हमारे पुत्र को यज्ञ में चढ़ा देंगे। आधी रात के समय माँ ने पुत्र को गोदी से भगा दिया। रात के समय बोली माँ के भग जाइए रोहता से और लला दे रो लौटी की बहुन आइए रे आधी रात के समय सुबह सुबह जल के देवता वरुण पहुंचे, आवाज लगाई, हरिश्चन आपने हमें कुछ वचन दिया था, पुत्र कहाँ है, उसे हमारे यज्ञ में चढ़ाओ। तो हरिश्चंद ने हाथ जोड़ी, माफ करना वरुण देव। अरे वो बालक, अब शाम से पता नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैंने न ढूंढवाया हो, बालक का पता नहीं है। वरुण कहने लगे आज तक बहाने बनाती रही, अब पुत्र को छुपा दिया। इस बात के पीछे हरिश्चंद और वरुण सोई हरिश्चंद और वरुण फिर डट के भाई हरिश्चंद कहां जा रहे हो, हथियार छोड़ के हरिश्चंद भागी। महाराज वरुण से हरिश्चंद गए हारे, उपाई सूख ही सूख में राजा घर में भई बीमार। इधर रोहितास आंगन से निकल गया,
जंगल में जाकर के रोहितास की मुलाकात होती है विश्वामित्र की बहनोई जिसका नाम था अजीगर्त महात्मा जी। ब्राह्मण देव आ रहे हैं, अजीगर्त से रोहितास ने सवाल किया, महाराज आपके कितनी संतानें हैं, आप गृहस्थ महात्मा हो? जवाब दिया हाँ। वैसे यज्ञपति महाराज गृहस्थ आदमी से बड़ा संत इस दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी कहते हैं संत है वे तो कहूं अंत है, और जहां जो संत है वे पंत है। केवल पीले वस्त्र, गले में माला, हाथ में कमंडल और ये माथू चंदन से रगने से संत की परिभाषा, संत की पहचान नहीं है। आज के युग